तो जल्दी आ जाओ। पुरोहित जी आइए ना बैठिए। कोई बात नहीं श्रीमान जी, आप विराजिए विराजिए। अरे अरे ये बात नहीं है, आप जैसे बुजुर्ग इंसान खड़े रहे और हम जैसे बैठे रहे ये शोभा नहीं देता। आइए आइए बैठिए। धन्यवाद श्रीमान, आप बहुत दयालु हैं। आराम से। आप हमारे देश की सेवा करने वाले एक सैनिक हैं, महान हैं आप। भाई कहकर मेरे पैरों में गिरा था, तब तुझे माफ करके मैंने गलती की थी। अरे जरा उधर देखिए, दिन दहाड़े एक गुंडा इस तरह खून करके चला जाता है और यहाँ के लोग उसे देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगे रहते हैं। इस गांव में जान की कोई कीमत है या नहीं? ये सब देखते देखते मेरी आंखें धुंधली हो गई हैं। अन्याय से लड़ने वाला यहाँ पे कोई भी बहादुर मर्द नहीं है, यहाँ वही भैंस हाँकता है जिसकी लाठी होती है। तो फिर पुलिस? पुलिस वो देखो वो है पुलिस। पुलिस एक पेन देना बेटा। ये लीजिए। अशोक कुमार, हैदराबाद रेजिमेंट। सर सियाचिन बॉर्डर से आ रहा हूँ। मेरा नाम रामलाल है साहब, मैं यहीं रहता हूँ। एक बात बताओ रामलाल, आप एक पुलिस वाले हो, आपके आंखों के सामने इस तरह मवाली लोग खून करके चले जाते हैं और आप उसे देखकर खामोश रहते हैं, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? छी 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 छी। जानना है तो सुनिए। ये है साहब पूरी कहानी। इस जगह पर पुलिस की कोई अहमियत नहीं है सर, और यहाँ पर कोई पुलिस वाला आने को तैयार भी नहीं होता। कई जाबाज शेर जैसे पुलिस वाले यहाँ आए थे सर, लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हें ऊपर भेजकर समाधि बना दी। सर यहाँ का तो नसीब ही खराब है। खैर लगता है आप कई सालों के बाद इस जगह पर आए हैं सर, इसलिए सबसे पहले जाकर अपने परिवार से मिलिए, हम बाद में मिलेंगे। ये चिट्ठी आप किसे लिख रहे हैं? दिन रात मर मर के डर के साए में जी रहे इस गांव वालों के प्रति सरकार को जगाने के लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ। सही कहा जी, इस गांव के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो हद से कहीं ज्यादा है। हम ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। देश की रक्षा करने वाले मुझ जैसे सिपाही को अपने ही गाँव के लोगों से डर कर तुम भागने के लिए कह रही हो, ये मेरे लिए शर्म की बात है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इस गांव में कोई जाबाज पुलिस वाला जिस दिन आया उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ तुम जाकर सो जाओ। महात्मा लक्ष्मी यहाँ हो बिटिया। अरे पापा साफ करके गांधी जी चमकने लग गए हैं। जाओ बेटा जाकर झंडा ले आओ। ठीक है पापा। जाओ। जब मंदिर में घंटे की आवाज सुनाई देती है तो सबके सर झुक जाते हैं, और जब इस आदि के हाथ में ये घंटी बजती है तो समझो खोपड़ी खुल जाती है। केशवपुर के कोने कोने के कागज पत्र पर हमारा अधिकार है,
गांव की कोई औरत अपने बच्चों को भी चिट्ठी लिखती है तो हमको याद करके कांपने लगती है। का समझा? तुझे पुलिस चाहिए, अपनी रक्षा करने के लिए तूने चिट्ठी लिखी, वो भी सरकार को। इस गांव में ना किसी पुलिस के चलेगी और ना ही किसी मंत्री की, यहाँ का सुल्तान हम हैं, हम आदि सिंह। सूरज और चांद पर लगा ग्रहण भी हट जाता है, लेकिन केशव पर आदि सिंह शेखावत का जो ग्रहण लगा है उसे हटाने के लिए किसी अवतारी पुरुष को ही आना पड़ेगा। की बस में चढ़ गया बास्टर्ड। सुनो बड़े, मेगाफोन लाओ। ओके सर। ये लीजिए सर। सलीम, बच्चों का बाल भी बांका हुआ तो तू बच नहीं पाएगा, सरेंडर कर दे। सुनो साहब, अगर मैंने बच्चों को तुम्हारे हवाले कर दिया तो मुझे पता है तुम मुझे मार डालोगे। क्या चाहिए तुझे? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है साहब। सारे टीवी चैनल्स वालों को बुलाओ, उन सबके सामने मैं अपने आप को सरेंडर करूंगा। पांडे। जी सर। प्रेस वालों को फोन कर। ओके सर। कुछ नहीं बेटा, शांत हो जाओ। ए, चुप कर। सर, मैंने फोन कर दिया सर। पांडे। सर, ये चैनल वालों के आने से हमारा काम बहुत आसान हो गया। वो कैसे सर? ऐसे क्रिमिनल लोग एक सोशल वर्कर की तरह खुद को दिखाते हैं और इसीलिए अच्छे लोग गलत और गलत लोग अच्छे बन जाते हैं। ये बात सही है सर। सर, मीडिया वाले आ गए, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। जो दिखता है वो हकीकत नहीं होता। टीआरपी। ब्रेकिंग न्यूज यहाँ नहीं है, वहाँ है। बच्चे को क्यों किडनैप किया था? मैंने किसी को किडनैप नहीं किया है। ये एसीपी सूर्या के हाथों अगर लग गया ना तो वो मेरा इनकाउंटर किए बिना नहीं छोड़ेगा, इसीलिए सेफ्टी साइड के लिए मैंने तुम सबको यहाँ पर बुलवाया है। पांडे। यस सर। ये कहानी सुना रहा है और मीडिया वाले सुन रहे हैं, पोजीशन लो। पांडे।
जानते थे। सर बताइए सर, उससे जुर्म क्या था? सर कुछ तो बताइए सर। कुछ तो बताएंगे सर। आप लोग एक क्रिमिनल को हीरो बनाने का काम करते हैं और हम पर विश्वास रखने वाली जनता को बचाने का। हमारे और आपके बीच यही डिफरेंस है। तुम्हें गरुड़ का खिताब किसने दिया? जो भी क्रिमिनल दिखता है तुम उसका एनकाउंटर करके उसे मार देते हो। कमेंट को इसका जवाब कौन देगा? एक क्रिमिनल को मारने से उसके पीछे 10 क्रिमिनल निकल पड़ते हैं, ये बात तुम्हें पता है ना? इसलिए मारने के बजाय उन्हें अरेस्ट करो तो उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, उनका नेटवर्क क्या है, ये सब हम जान सकते हैं। एनकाउंटर के बाद तुम यहाँ मेरे सामने आकर क्यों खड़े हुए हो? और तुमने मीडिया को भी बुला लिया वहाँ? सर, एक क्रिमिनल और उसके गैंग और उनके नेटवर्क के बारे में सिर्फ आप सोच रहे हैं। वेब स्कॉट जर्मन मेट 6 राउंड ऑटोमेटिक वेपन उसके हाथ में था सर। एक ही सेकंड में उसका माइंड चेंज हो जाता तो क्या होता उस वैन के 50 बच्चों का और उनकी फैमिली का? यही बात उस वक्त मेरे दिमाग में थी। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था सर। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा लेकिन याद रखो ये सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्टर मुझसे पूछ रहे थे, ये बताओ उन्हें जवाब कौन देगा? हालात के साथ रंग बदलने वाले नेता कहलाते हैं, वक्त के साथ खुद को ढालने वाली पब्लिक कहलाती है और वक्त पड़ने पर उन्हें बचाने वाली कहलाती है ये पुलिस। सर, एक पुलिस ऑफिसर के शरीर पर सिर्फ खाकी वर्दी और होल्स्टर में सिर्फ गन ही नहीं, उसे पूरा अधिकार भी होना चाहिए। यह अधिकार आप पुलिस वालों को देकर देखिए सर। एक घंटे में सारे क्रिमिनल सलाखों के पीछे होंगे और 24 घंटे में उसे जेल होनी चाहिए। सिर्फ एक महीने के अंदर शहर से अपराध का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन वो अधिकार आप मांगेंगे नहीं और नेता देंगे नहीं और तब तक इस देश से क्राइम खत्म नहीं होगा। शाबाश, यही वजह है कि सरकार ने तुम्हें इनाम दिया है। विजय, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? हो रहा है सर, यही एक अच्छा काम कर दिया। खुद ही अपने खोपड़ियों पे कुल्हाड़ी मार ली है तुम्हारे साथ धंधा करके। दोबारा कभी ऐसा हुआ ना तो हमारी खोपड़ी सटक जाएगी, फिर पता नहीं हम क्या करेंगे। जो थाली में छेद करता है हम उसको काट डालते हैं। यहाँ का मक्खन लगाने आए हो? मक्खन लगाने आए हो यहाँ? गाय भैंस चराबन बालन के हम लोग विधानसभा में ले जाके बैठा दिए हैं, ये ओकर नतीजा बा। नहीं भाई, वो पुलिस वाला बहुत जिद्दी है, 2-4 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। उसे कुछ भी किया तो इंक्वायरी कमेटी बैठ जाएगी और सारा इल्जाम मेरे सर पर आ जाएगा भाई। डायरेक्ट गवर्नर को चिट्ठी लिखी गई थी ये कहकर कि पुलिस की जरूरत है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसे शहर से ट्रांसफर करके डी प्रमोट करके इस गाँव में भेज रहे हैं। उसकी आते ही उसे शिव के पास भेज दीजिएगा बाबूजी। ये रहे उसकी फोटो। हेलो जी भाई। हेलो हेलो हेलो, कहाँ से बोल रहे हो? मैलापुर से। मैलापुर? मैं केशवपुर पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। वहाँ का क्या हाल है? तुम कौन हो? ए, मैं हूँ यार गट्टू। तुझे खुजली हुई थी, अब कैसा है? अरे गट्टू, मेरी खुजली तो ठीक है। और कोई बीमारी तो नहीं हुई उसके बाद? अरे मजाक मत कर यार, सब ठीक है। तेरे गांव में मैंने कपड़ा सिलवाने के लिए दिया हुआ है, अगर तैयार हो गया हो तो शाम को चंदू से भिजवा देना। पैसा दे देना उसका। अरे आज संडे है, इतना जल्दी ओवर क्यों कर रहा है? अच्छा ठीक है, चल रख दे। रामलाल, सुबह सुबह फुल टाइट हो गया इसीलिए ज्यादा बोल रही है। अरे अरे अरे, ये झटका खाने की आदत छोड़ो यार, 2 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ मैं। क्या यार, एक बात सुनो रामलाल, पुलिस को देखकर चोरों का भागने का जमाना गया, अब तो पुलिस खुद ही चोरों से भागती है। ये बात सुनने के बाद पता नहीं साहब हंसेंगे या रोएंगे। भाई,
भाई 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 भाई, उस मुस्ताक का सारा पैसा हसन लेकर फरार हो गया भाई। अगर वो पैसे लेकर बॉर्डर पार कर लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी भाई। उसके बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उसके बॉडी मेरे जूतों के नीचे होनी चाहिए। कौन है भैया? वो पुलिस वाला इसी गांव में आ रहा है। खत्म कर दो। ठीक है भैया, चलो आ जाओ गाड़ी में। Let's go.
तो दोस्ती, वॉलेंटली आओगे तो तीनों वक्त भरपेट खाता है और उसके बाद लड़कियों के साथ मस्ती करने के लिए रखा है तुम लोगों को। भैया यही है, भैया यही है। भाई भी है और लाश भी है। केशवपुर में गवर्नमेंट की गन काम नहीं करती और खाकी कलर तुझे पसंद नहीं आता ये मैं जानता हूँ। सलीम को एनकाउंटर करके मैंने सुला दिया, इसलिए एक छोटा सा नजराना, इसे तू अपने कब्जे में ले ले और मुझे जाने दे तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। बहुत सियाना है तू, हमको पसंद आया, अब ये जगह भी तुझे पसंद आएगी। देख तू सरकार का वफादार नहीं रहेगा, खाकी पहन के काम तो करेगा, अरे शादी का फौजी बनकर लगा रहे। जब देखो तब तुम्हारा बचपना, आ जाओ इधर, आ जाओ भाभी। शोर मत करो। दिन पुष्टि वर्धनम उर्वारुकवे ओम सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुके स्वाहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। भैया क्या भैया, अभी इतनी दूर आ तो जाते हो लेकिन मंदिर के अंदर कभी नहीं जाते। अरे प्यारी बहन, तू हमारे घर की देवी है, हमारे घर की महालक्ष्मी है, जब तू हमारे संग है तो हम वहाँ कहे जाएं, हाँ? बताओ तो क्यों? हमेशा यही कह के मुझे चुप करा देते हो, हाँ? अब चलो आओ भी। अबे ताला मत लगा, कोई टेंशन नहीं। जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब। सर मैं रामलाल, यहाँ का हवलदार। क्या खाने के लिए गया था और क्या क्या खा गया हूँ मैं। कौए का बिरयानी खाकर फुटबॉल की तरह भूल गया हूँ। मैं सूदखोर बन गया, मैं निकम्मा हो गया। अरे गट्टू, अब किसी को अंदर आने मत देना क्योंकि कोई रिश्वत नहीं देता। बिरयानी खा खा कर फूड पॉइजन से मेरा सारा शरीर भूल गया है। ए गट्टू, सुबह से लेकर शाम तक दो बाल्टी पसीना निकल चुका है रे। मिलावटी खाना था, पेट अंदर से बुरी तरह ऐंठ रहा है, जैसे हथड़ियां अब फट जाएंगी। एक ग्लास पानी कोई नहीं दिया, किसी भी तरह यहाँ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। गट्टू, ए गट्टू, क्या बात है, तू शोरूम में रखे हुए पुतले की तरह साउंडलेस कैसे हो गया रे गट्टू। अरे बाप रे गट्टू, आ जान निकल गई। सर रामलाल, हम ऐसे क्यों खड़े हैं? ज्यादा सोचकर दिमाग पर जोर मत डालो, प्रमोशन का कोई चांस नहीं। वैसे गट्टू कहाँ है? ए गट्टू सर, रामलाल बड़े साहब आने वाले हैं,
ये बात बताई क्यों नहीं? सारा काम भगवान ही करता है, इसलिए काम की हर जगह को मंदिर होना चाहिए। अगर ये तुम लोगों का घर होता तो इसे इस तरह रखते। बिल्कुल सही कहा साहब, क्योंकि आपको भी हमारे जैसा यूज किया है। इतने सालों की सर्विस में मैंने इस फोन की घंटी को कभी नहीं सुना। अब आप आ गए हैं तो ये बजने लगी। अगर हम लोग सही हो तो सब कुछ सही होता है। हेलो कैच इट। ए तुम लोग फिक्र मत करो, मैं भी तुम लोगों की तरह ही पैदा हुआ हूँ। तुम लोग मेरे दोस्त हो, मददगार हो और मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। और उधर देखो उन कुत्तों को। अरे मैं तुम लोगों को नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानो यार। अरे उधर देखो किस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं वो कुत्ते लोग। उधर नहीं मेरी तरफ देखो। कैच इट डिसेंट डॉग, आई लाइक इट। ए हमारी जात वालों पर हाथ उठाया तो तुम्हारी जात वालों में से चार को लुड़का दूंगा। ए, हम लोग गीदड़ भपकी से नहीं डरने वाले, तुम चार को लुड़काओगे हम 40 को लुड़काएंगे। ए कालिया, ए सुन लिया ना तूने, चार लोगों को मारा तो बड़ी जाति का हो गया, 40 लोगों को मारेगा तो कितनी बड़ी जाति का खुद को समझेगा उसको देखो। ये सच नहीं है, तुम लोग जानते हो ना, चार भूखे लोगों को रोटी खिलाकर भूख मिटाने वाला होता है ये इंसानियत का धर्म। बेटे तुम लोग वैसे नहीं हो, इसीलिए उस तरफ मत देखो मेरे बेटे, मेहरबानी करके मेरी तरफ देखो। ये लो तुमको बिस्किट देता हूँ, खाओ खाओ, मीठा मीठा बिस्किट है, खाओगे तुम लोगों को मजा आएगा। ये लो चाचा बिस्किट खाओ। ये लो, नहीं दूंगा, मैं तुमको बिस्किट खाने के लिए नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं खुद। ये क्या हो रहा है रामलाल? वो तो सर इस गांव में तो ऐसा चलता ही रहता है। आगे चलिए सर। सुन लिया, शराब पीकर बॉल कटर तुम लोगों का पेशा बन गया। सर, तुम बड़े हो या ये बड़ा, ये कोई मायने नहीं रखता। एक ही जगह पैदा होकर मिलजुल कर जीना नहीं सीखा तुम लोगों ने? एक का पेट भरने के लिए तुम लोग 10 के मुंह से निवाला छीनते हो। एक ही गांव में रहकर कुत्ते बिल्ली की तरह इस तरह लड़ते रहोगे तो तुम्हारी इस लड़ाई का फायदा उठाकर कोई तुम्हारे सर पर चढ़ बैठेगा। अगर तुम लोग एक होकर रहे तो गांव का भला होगा, साथ ही देश का भी। अगर अगली बार मैंने तुम लोगों को जातिवाद के नाम पर आपस में एक दूसरे से लड़ते देखा तो तुम लोगों की खाल उधेड़ कर रख दूंगा। चलो भाग चलो। और सर गोपाल सर, बहुत खुशी हुई सर। सर सर आप विक्रम और बेताल जैसे हैं सर। सर इन लोगों को चार डंडे और चार जूते मारने से ही अकल आती है सर। सर हिम्मत मत हारना सर, आपकी ही जीत होगी सर, मेरा भारत महान। सर आप आगे वालों को देख लीजिए, मैं पीछे वालों को देख लूंगा। रामलाल कौन है ये? इसका नाम गोपाल है सर, पहले हमारे पुलिस स्टेशन में ही कांस्टेबल था। आदि के खिलाफ सबसे पहले यही आदमी था जिसने सारे सबूत इकट्ठा किए थे। हायर ऑफिसर्स को आदि के खिलाफ सारी इन्फॉर्मेशन यही दिया करता था साहब। आदि को ये बात पता चल गई और उसने इसके पूरे परिवार को स्वाहा कर दिया। उस सदमे से ये टूट गया, पागल हो गया और अपनी नौकरी और सब कुछ गंवा बैठा। हम चलें सर। ए लौंगला। रोने से अब कौनो फायदा नहीं, तेरी शादी होके 15 साल हो गए हैं, चूहे का बच्चा भी नहीं दे पाई। मैंने जन्मा है शेर, शेर का बछुआ, वो शेर है और कच्चा कच्चा मांस ही खाता है, घास फूस नहीं खाता। जाके सो जा, जा जाके सो जा। क्या हुआ? सुइसाइड अटेम्प्ट है सर। कौन है वो? कॉलेज स्टूडेंट है। कैसे हुआ? आग लगाकर मरने की कोशिश की है।
उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका जिंदा रहना उसे और कष्ट देगा। उसके माँ बाप कहाँ हैं? वो देखिए उधर है। आप ही हैं उस लड़की के माँ बाप? जी हाँ सर। आपकी लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? सुसाइड की कोशिश नहीं की साहब, खाना बनाने के वक्त सिलेंडर फट गया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। दिव्या एक लड़के से प्यार करती थी और ये बात इन लोगों को पता चल गई और इन्होंने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। वो ही शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब इस तरह आंसू बहाने का क्या मतलब है? हा? तुमने पैदा करके लाड़ प्यार से उसे पाला, वही आज मौत से लड़ रही है। आखिर तुम लोग प्यार के दुश्मन क्यों बन गए? साहब, वो जिससे प्यार करती है वो हमारे जात का नहीं है। शट अप! जरा सुनो, वो लोग इंसान नहीं होते क्या? ये धर्म जात पात का भेदभाव जहर है, प्रेमी उसे नहीं जानते। प्यार करने वालों को पता भी नहीं होता कि उन्हें कब प्यार हो गया। ये बात तुम लोग कैसे जान पाओगे? आजकल खूबसूरत लड़कियों की शादी होनी ही बड़ी मुश्किल हो गई है। ऐसे में तुम्हारी लड़की जल गई है, उससे शादी कौन करेगा? तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी जात वाले, बताओ। सर, मैं उससे शादी करूंगा सर। मैंने उससे कहा था सर, ये गांव छोड़ के दूर चले जाएंगे, लेकिन मेरे बाप की इज्जत चली जाएगी, ऐसा उसने कहा सर। देख लिया, तुम्हारी खातिर इन दोनों ने अपना प्यार कुर्बान कर दिया, और तुम लोग इनके लिए अपना भेदभाव भी नहीं छोड़ सकते। तुम अब भी उस लड़की से प्यार करते हो? हाँ सर, मैंने जब प्यार किया था उसके जिस्म से नहीं, उसकी खूबसूरती से नहीं, मैंने उसे दिल से प्यार किया है सर। गुड। प्यार कभी झुकना नहीं चाहिए, इस वक्त उसे तुम्हारे ही प्यार की जरूरत है। जाओ। थैंक यू सर। सर, शादी के बाद कितनी सारी लड़कियां दहेज ना दे पाने की वजह से ससुराल में जलकर मर जाती हैं। उसी तरह हमने कितने सारे पुलिस वालों को रिश्वत लेकर केस को दबाते हुए देखा है, लेकिन आज आप, लाइफ में मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसी एक लड़की की जिंदगी सवार रहे हैं। आज मेरे हॉस्पिटल को आपने कल्याण केंद्र बना दिया सर। यू आर रियली ग्रेट सर। ब्रांडी खंबे का, ये पानी पूरी का, ये गोभी और पनीर भजिया का। अरे गट्टू, तुम हो क्या? वो क्या है? वो अमेरिका वाले लादेन का इनकाउंटर किया था ना, उसका एक सीक्रेट सीडी आया था, वही देख रहा था। अच्छा ये क्या सर, है? ये इस महीने की इनकमिंग फाइल है। हाँ। तुम इसे चेक कर लो, बेकार में हम दोनों के बीच झगड़ा नहीं चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। मटन का दुकान से आ गया? आ गया सर। साइकिल पंचर वाले से? आ गया सर। सब्जी भाजी की दुकान से? आ गया सर। हेयर कटिंग की दुकान से? नहीं आया सर। नहीं आया क्या? अब तो मत जाना, मेरी बीबी बाल सेटिंग करवाना चाहती, उसे वहाँ भेज दूंगा। जेंट सलून में आप अपनी बीबी को भेजेंगे? ए, मुझे समझाएगा, मुंह तोड़ दूंगा। जैसी आपकी मर्जी। उमर भाई के यहाँ से? आ गया सर। पटेल के यहाँ से? नहीं आया सर। क्यों नहीं आया रे? परसों मेहमान आए थे सर। मुझे बता के खर्च करने का ना? गलती हो गई सर। आई लाइक इट। थैंक यू सर। आई लव वाइफ करके इंग्लिश पिक्चर लगी है, चलो दोनों साथ चलेंगे। थैंक यू सर। पुजारी कैसे? सर वो कब टाइम पर देता है, हमेशा एक ही राग लापता है, शुभमस्तु शुभमस्तु शुभमस्तु। ए, पैसा लेने मंदिर मत जाना। फिर डायरेक्ट उसकी वाइफ से पैसे ले लेना। आज ही रात को जाऊंगा सर। रेप केस में अंदर डाल दूंगा। सुबह जाऊंगा सुबह। और किसी का मिस हुआ क्या? शमशान में चिता जलाने वाले का। डिपार्टमेंट की नाक ऊंची कर रहे हो, इडियट्स। कट्टू, रामलाल ने चमचागिरी की होगी। मौका देकर चौका मारता है सर। आइए सर। आइए सर। लक्ष्मी साहब आए हैं। आइए आइए साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। बैठिए। रामलाल। हाँ सर। आपका घर बड़ा साफ है। आप लोगों की दुआ है सर। इंसान का दिल भी साफ होना चाहिए। रामलाल। हाँ सर। ये आदि सिंह शेखावत के बारे में कितना जानते हो? सर, उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी मंडली मंडराती है सर। हम लोग इतनी आसानी से उसके गिरवान में हाथ नहीं डाल सकते। रामलाल सर, गरम चीज को एकदम छुओगे तो जल जाओगे। धीरे धीरे साइड से निकाल कर ही बीच तक पहुंचने तक सब कुछ ठंडा हो जाएगा।
तभी आराम से खा सकते हो। समझ गए ना? यस सर। खाना खाइए। सर आप यहां किस लिए आए हैं? एक बात बताओ, पूरे गांव में लाइट है, सिर्फ इस एरिया में क्यों नहीं है? हाँ साहब, आज इस इलाके में लाइट नहीं है, मतलब इस इलाके में कोई ना कोई हादसा होने वाला है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलते हो या नहीं? ए! मुझे छोड़ दो भैया। ओह, आजा 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 भैरव कैसा है? ज्यादा कुछ नहीं हुआ है,
अभी सिर्फ बेहोश है, 24 घंटे के बाद ये होश में आ जाएगा। hey! हमारे जीते जी उसने हमारे छोटू पर हाथ उठाया, कौन है वो? भैया कोई डुगडुगी बजाने वाला था, राक्षस की तरह हमला किया उसने। वो तो गया भैया। जो छोटू पे हमला कर सकता हूँ बहुत चालाक होगा, उससे बहुत होशियार रहना पड़ेगा। ठीक है भैया। हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर भोले, हर हर महादेव। जब खुशियाँ मिलती हैं तो तुम्हारे पास कोई नहीं आता, जब दुख मिलता है तो तुम्हारे पास दौड़े चले आते हैं। जय हो। शिव शंकर बोले, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए ये सारे तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन मतलब निकल गया तो फिर भूल जाते हैं। ये आ गया अपना दुखड़ा सुनाने, ये देखो ये देखो ये देखो, धंधे वाले धंधे वाले धंधे वाले, 50 पैसे का कपूर जलाकर 50 लाख रुपए मांगने आया है तुम्हारे पास। अकलमंद को कभी भगवान नहीं मिलता प्यारे, अकल ही भगवान का रूप होती है। अरे पागल कहीं का, इस वक्त वैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ रही है, ऊपर से तू आग जला रहा है, जा तू अपना काम कर। जानबे। पागल तो समझदारी की बातें कर रहे हैं। मन में भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, भोलेनाथ भोलेनाथ। कौन है वो, कौन है जिसने हमारे छोटू पर हाथ उठाने की हिम्मत की? कौन है? हम लोग तो अभी अभी आए भैया। इसमें से कोई नहीं है, उसकी आंखों से आग आग बरस रही थी। किसी ने उसको देखा है? कोई जानता है उसको? कहाँ है वो? मैं जानता हूँ। कृष्णा 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 आया है, कृष्णा। वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किसी को पता नहीं है, तुझे भी पता नहीं है। तेरी छाती पर डांस करने के लिए कृष्णा आ गया है, कृष्णा। रुक। वो कौन है? रुक, ये है वो। कौन है? मैं जानता हूँ। कौन है वो? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा। भैया, अगर हम लोग उस लड़की के घर वालों को मारेंगे तो कैसा रहेगा भैया? इसको कब कहां कैसे मारना है हम ये जानते हैं। हेलो सूर्या। यस बोलिए। सिस्टर, डॉक्टर कहाँ है? अरे वो तो दिन में भी नहीं रहते, तो रात में कैसे मिलेंगे? इन्हें एडमिट कीजिए। मुझे कुछ नहीं आता सर। नहीं आता क्या? अगर खड़ी मत रहिए, एडमिट कीजिए। चलिए आइए आइए। चलो लगा दीजिए। घबराइए मत, इतने क्रिटिकल केस को मैं डॉक्टर के बिना हैंडल नहीं कर पाऊंगी सर। सुनो, सही गलत का फैसला करने का वक्त नहीं है, यहाँ पर दो जिंदगियों का सवाल है। वो सही कह रही है, एक डॉक्टर की एडवाइस के बिना वो कैसे अटेंड करेगी? अब ठीक है, तुम्हारे डॉक्टर का नंबर दो। 9845123152। तुम्हारे पहचान का कोई डॉक्टर है क्या? हमारा एक फैमिली डॉक्टर है। कॉल करो उसे। रिंग बज रही है। हेलो। यस डॉक्टर, नमस्ते। नमस्ते, इंस्पेक्टर विजय सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक क्रिटिकल डिलीवरी केस है, सिटी तक पहुंचने का वक्त नहीं है, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। अगर आप फोन पर ही इंस्ट्रक्शन देंगे तो नर्स हैंडल कर लेगी। हाँ ठीक है। प्लीज 1 मिनट। नर्स को दो। ये लीजिए, डॉक्टर लाइन पर है। हाँ सर। हेलो नर्स, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती जा। समझ गई सर। हाँ सर।
बच्चा बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन माँ की हालत क्रिटिकल है। बोलो बोलो कुछ बोलो, चेस्ट पंप करो, चलो कम ऑन। रहने दीजिए सर, शायद ये नहीं बच पाएगी। hey! बिना माँ बाप के जीना क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता हूं। जिस तरह मुझे अनाथ बनाया, उस बच्ची को अनाथ मत बनाओ। चाहे कुछ भी करो, बच्ची की माँ को लौटा दो। सर जल्दी आइए, उनको होश आ गया है। बच्ची को बचा लिया साहब। इन दोनों की जिंदगी बचाने में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक्स। मुझे मालूम है लेकिन नहीं बताऊंगी। मालूम है तो बता दे बेटी। मार के यहीं गाड़ दूंगा, नहीं तो चला दूंगा। यहाँ कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जानती हो तो बता दो ना। नहीं पापा, हमारे मर जाने से इस गांव की जिंदगी अगर हमेशा के लिए सवर जाती है तो हमें कोई गम नहीं है। ए, तेरा अंत करने वो यहाँ आएगा। यहाँ आएगा वो? हाँ, आएगा तो यहीं गाड़ दूंगा, पर उससे पहले तुम मरोगे। मेरे अंत की शुरुआत मेरी मौत से ही होगी। क्या हुआ, किसने किया? सेवा करने के लिए पुलिस और गवर्नमेंट होती है। खाकी पहनकर जो रोड साफ करने का काम करते हैं उनसे भी गए गुजरे लोग हैं हम। मेरी आंखों के सामने एक पूरा परिवार तबाह हो गया और एक पुलिस ऑफिसर होकर भी मैं उनकी जान नहीं बचा पाया। हम अपना फर्ज निभाने में पीछे क्यों रह जाते, ऐसा क्यों होता है रामलाल? हमारे सारे बड़े अधिकारी लोग, राजनेता लोग, वो सभी आदि के गुलाम है, उसी की बात मानते हैं। हम जैसे लोग आखिर कर भी क्या सकते हैं सर? जी हाँ साहब, खाकी पहनकर हाथ फैलाने का मतलब हम उनके नौकरों जैसे बन जाते हैं। डॉक्टर की गलती से एक पेशेंट की जान जाती है, एक लॉयर गलती करता है तो एक बेगुनाह की जान जाती है,
लेकिन जब एक पुलिस वाला एक बेगुनाह को जाने देता है तो एक नहीं हजारों की जान जाती है, अंडरस्टैंड? यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, घूमने फिरने के लिए जीप है, हाथ में गन देकर सारा अधिकार वो लोग अपने हाथ में ही रख लेंगे, तो हम कर भी क्या सकते हैं सर? खाकी को ऑर्डर करने का पावर खादी के पास है, और उस खादी को उठाकर सलाखों के पीछे डालने का पावर इस खाकी के पास है। सर, मैं ये खाकी पहनकर मुजरिमों से पैसा लेकर अब तक जीते आया हूँ सर, लेकिन अब एक अच्छा पुलिस वाला बनकर मरना चाहता हूँ सर। रिश्वत खा खा कर हम नमक हराम हो गए सर, एक पुलिस वाले की क्या हैसियत होती है आज आपसे सीखने को मिला है सर, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है सर। भैया हेलो, आरती लीजिए। ए भाई अभी बिजी हैं। क्या भैया आप फिर से भूल गए ना? हो प्यारी बहना, इस घर की महालक्ष्मी का जन्मदिन हम कैसे भूल सकते हैं? देखो हमने पूरा इंतजाम कर रखा है, और तुमको क्या चाहिए बताओ? अरे बताओ ना। इस बार मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ भैया। गिफ्ट? और हमके? हमारी सबसे बड़ी गिफ्ट तो तू ही है, तू हमरे पास है, हमको और क्या चाहिए? नहीं भैया, इस बार मैं आपको नया जोड़ा देकर ही रहूंगी। और नहीं तो क्या भैया, आज मेरे बर्थडे के दिन आप इन कपड़ों में रहोगे, आज आपको नए कपड़े पहनने ही पड़ेंगे। ठीक है ठीक है। ए दुर्गा। हाँ भैया। हमारी बहन को ले जाओ और बाजार से घुमा कर ले आओ। ठीक है भैया। क्या इसके साथ? मैं नहीं जाने वाली। अरे ठीक है बहन, तुम जिसके साथ जाना चाहती हो ले जाओ। आओ आओ। आओ आओ। कैसा है सर? स्मार्ट लग रही हो? अरे किसको ढूंढ रहे हो बताओ? शुरू करो। सूर्या आओ। लो लीजिए सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो चलो तुम्हें अपना पूरा साम्राज्य दिखाते हैं, चलो। सूर्या, हमारे हाथ कितने लंबे हैं ये तुमको नहीं पता क्या? समझे? हमारे हाथ जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, और भी बहुत हाथ हैं हमारे। अरे मुस्ताक भाई। सलाम भाई। अरे उठो उठो। नमस्ते सर। सूर्या, ये कौन है तू नहीं जानता ना? हमारा बैंक बैलेंस संभालने वाला नंबर वन माइल्स किंग है। मुश्ताक भाई आइश करो। अच्छा भाई। आओ सूर्या, पूरे प्रदेश में कहीं भी जमीन का कोई झगड़ा होता है ना, तो लैंड माफिया उसको सुलझाता है, और लैंड माफिया का एक ही राजा है, अशोक मेहता। मेहता जाओ जाकर ऐश करो। रवि पाटिल यहाँ। नमस्ते भाई। इस दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई भी नया हथियार बनता है तो उसको इस आदि तक पहुँचाने का काम ये वेपन किंग करता है, इसका नाम है रवि पाटिल। तुम्हारी तो पार्टी बहुत अच्छी रही हो ना। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हाय हाय, थैंक यू सो मच, वेलकम। अरे क्या एक दूसरे का मुंह देख रही हो, चलो पियो, अच्छा है ना? एक्सक्यूज मी, आई जस्ट बी बैक। हाय गो। बाप रे, मुझे लगा नहीं था कि आप आएंगे, आने के लिए शुक्रिया।
मैं यहाँ पर आया हूँ लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भाई ने बुलाया था इसलिए। काव्या हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। उधर क्या देख रहे बे? एक गट्टू, उधर देख कबूतरी। तुझे पता है वो कौन है? मुस्तफा की बीवी है। अरे चुप रहो ना, मैं नहीं जानता मुस्तफा भाई कौन है। तू कैसे जानता? हर रात उसे एक नई नई बीवियां चाहिए होती है। अबे किसी की जन्म कुंडली खोलने की क्या जरूरत है, तू चुप रहना। सुनो गट्टू, तुम्हारे पास अगर पैसा है तो आज रात तुम्हें भी बीवी मिल जाएगी। ये वॉशरूम कहाँ है? उधर। एक मिनट यार। क्या हुआ? तेरी औरत पे बुरी नजर डालता तेरी इतनी हिम्मत है? तेरी इतनी हिम्मत है? मेरे भाई के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, तूने मुझे हाथ लगाया? मैं तुझे छोडूंगा नहीं। डांस का मार डांस का तुझे छोडूंगा। क्या कर रहा हो? छोड़ छोड़ मुसाक। अरे ये तो हमारा बचवा है, इसकी हरकत पे तू काहे दिमाग खराब करता है? ए भैरव। नहीं भैया, वो ऊपर तेरी बहन का जन्मदिन मन रहा है और तू ये कर रहा है? ए रवि पाटिल, इसको यहाँ से लेकर जाओ। चल जाओ मुश्ताक। ए तू भी चल। आना ये सब देखकर कैसा लगा सर? तुम भी ऐसे लड़ लो। नव भारती वाइन ड्रग सेंटर, मौत की दवा बिकती है। यहाँ पर सब शरीफ रहते हैं। सुनिए सुनिए, ध्यान लगाकर सुनिए सुनिए सुनिए, अल्कोहल पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। देखो भाई, तुम इसे पियोगे तो तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें घर पर ले जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर आएगा और आई एम सॉरी कहकर वो भी चला जाएगा। इसे पीना छोड़ दो, ये बोतल उठा लो, उठाओ खाली कर दो। इसी तरह तुम पीते रहोगे तो एक दिन डिसेंट हो जाओगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, एक दिन ऊपर चले जाओगे। तुम्हारे घर वाले हैं ना, हाँ, निश्चिंत होकर जिएंगे। इसलिए समझो, अल्कोहल पीने से लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है और जिंदगी की वाट लगती है। सुनो, भैरव किडनैप हो गया है। को जिसने उठाया है वो आज की शाम नहीं देख पाएगा, ऐसा हजार बार कहो। समझ में आया कि नहीं? हाँ? क्या हुआ भाई? आओ आओ सूर्या, हमारा भैरव लापता हो गया है रे। भैरव जहां कहीं भी होगा उसे 24 घंटे में तुम्हारे सामने खड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी है। छोड़ी से जाने दे। Ah!
हे भगवान, कौन है रे जिसने हमारे बहनों का जेहाल कर दिया? बहनों सर, हमें पता भी नहीं चला और किसी ने ऐसा कर दिया। सूर्या, हमारे सामने आए बिना ही हमारे सर पर नाच रहा है, कौन है वो करुण? भाई सभी आए हैं लेकिन मुश्ताक नहीं आया। सर, भैरव को ऐसी मौत मिलेगी ये बात किसी ने सोची नहीं थी। रामलाल सर, मौत कहां से आएगी, कैसे आएगी, अगर ये पता चल जाए तो इंसान भगवान बन जाएगा। आज मेरा विश्वास सच होते दिख रहा है सर, इस केशवपुर की जनता की हिफाजत के लिए भगवान आ गया है। पता नहीं कौन है वो अवतारी पुरुष, वो जहां कहीं भी है उसे मेरा सल्यूट है सर। रुक। इंसान को पैदा होते ही मरने का दिन पता चल जाए तो वो इस तरह कुत्ते की तरह भागते हुए कुत्ते की मौत नहीं मरेगा, समझ गए ना? वाह 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 वाह, सैकड़ों लोगों को अपनी दहशत से डराने वाला, देखो किस तरह जलकर राख हो गया। ए, ये गांव मेरा है, इस गांव का सब कुछ मेरा है, इस गांव के सब लोग डरते हैं मुझसे 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 भैरव से। क्यों रे भैरव, तू जलकर राख हो गया? भैरव का सब कुछ कहाँ गया? वो पैसे, कपड़े, अय्याशी कहाँ गए? तुझे कुछ नहीं मिला, तुझे कुछ नहीं मिला, तेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। तेरे साथ गया तेरे कुकर्म और तेरे पाप। हाँ, जा जा रे, गेट आउट। हेलो यमराज, हेलो 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 यमराज, आ जाओ। ऐ ऐ, मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो? हाँ, ये राक्षस था, ये बदमाश था, ये नीच था, समझे? ओह, ड्यूटी पर है क्या? आप तो बहुत ही सिंसियर हैं और मैं भी बहुत सिंसियर हूँ। इधर आओ ना, पापियों के पाप से धरती दब रही है, बी केयरफुल, नहीं तो बाद में पछताओगे। यमराज यमराज यमराज, ओह यमराज ड्यूटी पर है, मैं भी जाता हूँ। भैरव एक, भैरव दो, भैरव तीन, भैरव नहीं आएगा। अरे रे, भैया मेरी बच्ची 2 दिनों से भूखी है, कुछ खाने को दो ना भैया। हम कुछ नहीं कर सकते बहन, अगर आदि को पता चला तो वो हमें भी मार देगा, इसलिए यहाँ से आप चली ही जाइए। जी सर। सर जरा रुकिए सर, मैं न्यूज़पेपर लेके आता हूँ। ओके। मेरी प्यारी बेटी, ले खाना खा। मुझे भूख नहीं है माँ। भूख नहीं है? ओ, ले खा ले। आ गई रोज की तरह नजर लगाने के लिए, ले खा ले, ले तू ही खा ले। लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं बच्ची। माँ मुझे बहुत भूख लगी है माँ, माँ मुझे खाने दो माँ, बहुत भूख लगी है। जी नहीं माँ, मत रो मत। रामलाल क्या है ये सब, वो औरत कौन है? उस बच्ची का पिता एक आर्मी ऑफिसर था साहब, इस इलाके पर होने वाले अत्याचारों को देखकर
और ये सोच कर कि यहाँ पे एक जांबाज पुलिस ऑफिसर चाहिए, उस आदमी ने सरकार को एक लेटर लिखा था। ये बात जब आदि को पता चली तो पूरी जनता के सामने उसने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला। उसी के साथ अगर ये माँ बेटी भी मर जाती ज्यादा अच्छा होता, इस तरह तड़प कर तो जीना नहीं पड़ता। पूरे गांव वालों को आदि ने आदेश दे रखा है कि कोई इन्हें खाने पीने को नहीं देगा सर, उसी के डर से कोई इन्हें कुछ खाने पीने को नहीं देता। देश के सिपाही का एक परिवार भिखारी से ही बदतर है। पूरे गांव के सामने उन्हें मारा और गवाही के लिए कोई नहीं आया? एक गवाह है। अरे गट्टू, पेट में हजारों चूहे दौड़ रहे हैं यार, कुछ खा पी ले क्या? नो सर। क्या कहा? वजन बढ़ जाएगा सर। क्या मतलब? आप मोटे हो जाएंगे। बिल्कुल सर। नहीं बाबा, हाँ। मेरा पेट बढ़ जाएगा। हाँ, ठीक है सर। यार गट्टू, हाँ। इस होटल की बिरयानी बड़ी अच्छी, हाँ। है, चलो चलते हैं। बढ़िया सर। हाँ। अंदर चलो। चलता हूँ सर। नमस्कार साहब। ए, हवालदार साहब आए हैं, दो बिरयानी पार्सल कर दो। कितना पैसा हुआ? पूछ के क्या करेंगे सर, आपने कभी पैसे दिए हैं क्या? ए, क्या बक रहा है तू? ए, अब हम लोग को ऐसा वैसा मत समझ, हम लोग सुधर गए हैं। मैं बिंदास हूँ या बंदास है? पैसा बता। 120 रुपए होते हैं, आप 20 रुपए कम दे दीजिए साहब। देखो भाई, तुम चिंता मत करो, 50 रुपए ज्यादा लो लेकिन बढ़िया बिरयानी दो। ए, साहब को 50 रुपए वाली बिरयानी बांध दो। क्यों भाई साहब, दो किस्म की बिरयानी रखी है? जी हाँ साहब, पुलिस वालों और भिखारियों के लिए अलग से बिरयानी बनती है, यही खा लीजिए ना सर। 300 रुपए बोलता है कि मटन का रेट बढ़ गया है। 50 रुपए में बिरयानी सर, वो इस तरह से क्यों बोल रहा है? मैं अंदर से देख कर आता हूँ। क्या हुआ, क्या देखा अंदर? आप खुद ही देख लो सर। प्यार से देखोगे प्यार होगा। क्या हुआ सर, जाते समय फूल की तरह खिले हुए थे, आते समय मुरझाए हुए लग रहे हैं सर। अंदर बहुत कमाल का काम चल रहा है भाई। देखो गट्टू, एक बात कहनी है तुमसे। बताइए सर। ये बात मेरी बीवी बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझे? एक बात बताऊं सर? हाँ बोलो। मैं आपको बताए बिना रोज आपके घर पे बिरयानी ले जाकर देता था। आपकी घर वाली कितनी अच्छी बनी है, कितनी अच्छी बनी है बोलकर गपर गपर खा जाती थी। ये पेस्ट नहीं है यार, टूथपेस्ट है। से पहले कि यहाँ रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो, चलते अब हैं। तो किसी तरह मेंटेन करना पड़ेगा सर, इसीलिए आपकी बीवी की हरकत बदल गई है सर। सुनो मैनेजर, मैं एनिमल केयर टेकर डिपार्टमेंट को फोन करके तुम्हारी हड्डियों से तेल नहीं निकलवा दिया तो समझ लेना मेरा नाम है। तेरे होटल पे मुझे बहुत पहले से शक था। ए, तू ये बॉर्डर क्रॉस करके आ गया ना, तो इसके ऊपर 20 रुपया जुर्माना ठोकेंगे, समझ ले रहा? आउट। चलिए सर, चलिए। ओम भूम भुवा ओम ओम स्वाहा ओम नमः अस्य भक्तस्य संग देवता ओम नमः पिंडम समर्पयामि। इसे ले जाके पानी में विसर्जित कर दीजिए और आते समय जल लेते आइए। की इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे भाई की मौत में मुश्ताक का ही हाथ है। हाँ भाई, तुम्हें बताया बिना वो आज एक चाइना की पार्टी के साथ बहुत बड़ी डील कर रहा है। आने वाली रकम है 50 करोड़। ये काम होते ही तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। तू सच कह रहा है? इंफॉर्मेशन पक्की है भैया। कुछ भी करने से पहले मुश्ताक भाई से फोन करके पूछ लो। नहीं, कहीं कोई बहाना बनाकर
वो बचना चाहे, हमको वहां डायरेक्ट ही जाना चाहिए। ये बात अगर सच होगी ना तो उसकी मौत हमारे हाथों होगी। भाई डील पक्की हो गई है, एडवांस लेके आया हूं। भाई क्या बात है? नमक हराम, हमसे इस आधी के नजर से बच के धंधा करना चाहता है। भाई ये क्या बात कर रहे हैं भाई, मैंने फोन करके आपको बताया तो था। सुना ना भाई, हमने कहा था ना ये दूधारी तलवार है। हाँ? ये हरामखोरी काहे किया बे? सही कहा भैया, मैं ही गलत समझ बैठा था। ए, हम लोगों के साथ डबल गेम खेल रहा था क्या? ये बात हमें पता चली तभी हम यहाँ आए। ए दुर्गा, बेकार की बात मत कर, ये हम दोनों के बीच की बात है, तू बीच में मत आ। ए मुश्ताक, गलती तूने किया है और भड़क उस पर रहा है, नाटक करके बच जाएगा। हाँ भाई, ये अब क्या कह रहे हो भाई, मुझ पर शक कर रहे हो, मुझ जैसे वफादार पर शक कर रहे हो आप? इसके जैसे पत्ता चाटने वाले कुत्तों की बात सुनकर आप मुझ पर शक कर रहे हो? ए, किसे गाली दे रहा तू? भाई दिमाग में कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। शाबाश, बहुत शातिर दिमाग है तेरा। हमारा पागल कुत्ता हमारे ऊपर ही भौं भौं करने लगा। ऐसन घोड़े से हम बचपन से खेलते आए हैं। अरे हमको तो पहले ही शक था कि हमारे भैरव की मौत के पीछे तेरा ही हाथ है, तभी तो उसके क्रियाक्रम पे नहीं आया। अब तो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। अब आप क्या सोच रहे हैं सर? जैसा आप चाहते थे वैसे ही तो काम पूरा हुआ। तुम सोच रहे हो जो हो चुका उसके बारे में, और मैं सोच रहा हूँ जो होगा उसके बारे में। सर यहाँ खड़े रहकर सोचने से क्या होने वाला है, पेड़ के नीचे बैठकर सोचेंगे तो वहाँ खाने को फल भी मिलेगा और मारने के लिए पत्थर भी मिलेगा। भैया ये जगह इसे कैसे पता चली? इसको यहाँ हमने बुलाया है, चाणक्य का दिमाग है, चाणक्य का। दूध देने वाली भैंस को खाकी पहना देंगे तो सींग मारेगी भैया। आओ सूर्या। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सूर्या, मुश्ताक चला गया। तुमने तो मरवाया। सूर्या सूर्या, खोपड़ी हमारी और कोहली तुम्हारी। सूर्या, उस जगह पर हमको कोई नहीं चाहिए। आज जब हम उस जगह के बारे में सुबह से सोच रहे थे तो तुम्हारा ही नाम याद आया। भाई रवि पाटिल उस जगह के लिए सही आदमी है। सूर्या, रवि पाटिल, एक बार फिर सोच लीजिए, उस दिन पार्टी में तुमने उसे ऑब्जर्व किया है या नहीं? वो रवि पाटिल मुश्ताक को सपोर्ट कर रहा था, मुझे उस पर जरा भी विश्वास नहीं है। दुर्गा,
हाँ भैया। पाटिल कहाँ है पता लगाओ। भैया वो कहाँ रहता है उसकी बीवी बच्चों तक को पता नहीं रहता। हर रोज वो अपना फोन नंबर बदलता रहता है भैया। उसे ढूंढ कर एक मीटिंग करवाता हूँ भैया। सूर्या निशाना बनाया है। कितने लोगों को मौत के घाट उतारने वाले इस पाटिल को जो कभी नहीं डरा, मुझे आज पल भर के लिए मौत का खौफ दिखाई दिया। वो सब ठीक है, मेरी जिंदगी से मौत करीब है, ये उसे कैसे पता चला? मुश्ताक की मौत के बाद तेरी मौत का फरमान जारी हुआ था पाटिल। हमेशा आदि सिंह के साथ रहने वाला दुर्गा जब गांव के इलाके से बाहर निकला तभी मैं समझ गया था। लेकिन इससे तुझे क्या फायदा होगा? पैसा पाटिल, ओनली मनी। कितना चाहिए? तेरी जिंदगी की कीमत तू ही तय कर। तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले लक्ष्मी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। पाटिल, मैं सांप को दूध तभी तक पिलाता हूं जब तक वो फन नहीं खोलता। खोलते ही मैं उसे सर। हाँ आपने मुझे बुलाया सर। आओ बताता हूं। सर इतना सारा पैसा जनता का है रामलाल। मैं समझा नहीं सर। रवि पाटिल ने अपनी जिंदगी की कीमत इन पैसों के रूप में भेजी। में होगा कितना सर? पता नहीं रामलाल। अगर आदि सिंह शेखावत के चेले रवि पाटिल के पास इतना पैसा है तो आदि सिंह के पास कितना होगा और उसके साथी राजनेताओं के पास कितना होगा? सच कहा सर, एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हुए लोग
खुदकुशी कर लेते हैं, ये बात हमने टीवी पर और न्यूज़पेपर पर रोजाना सुनते रहते हैं। गरीब जनता को लूटकर आदि सिंह जैसे और राजनेता लोग अपना सारा पैसा स्विस बैंक में जमा करते हैं। पता है वो 275 लाख करोड़ रुपए है सर। 25 साल तक गवर्नमेंट को टैक्स से भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। विश्व संस्था का ये कहना है हमारे देश का हर व्यक्ति पैसे वाला है, लेकिन उन्हें गरीब बनाते हैं ये राजनेता लोग। ये सारे पैसे आप गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे सर? अगर इसे गवर्नमेंट को दिया तो इससे 10% लोगों का भी उद्धार नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे सर? आओ बताता हूं। देखो, इन्हें पीने के लिए पानी, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए छत मिल गई तो ये कितनी दुआएं देंगे। गरीबों के लिए काम करने वाली 3 संस्थाओं में मैं ये पैसा बांट दूंगा। सर, यू आर ग्रेट सर। सब लोगों को हमने अपने बच्चों की तरह पाला था, लेकिन उस रवि पाटिल ने इनको मार करके हमारा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। पहले पता होता तो हम उसका फन कुचल दिए होते। बेचारा को लग रहा था कि वो हमारा वफादार है। कितना बड़ा बेवकूफी किया हम। हाय हाय, वो जहां कहीं भी हो, जहां कहीं भी हो, उसकी लाश अपने जूते के नीचे चाहिए। उसकी ऐसी हालत कर दो कि यम 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 भी देखे तो वो भी घबरा जाए। वो भी घबरा जाए। सुनिए सुनिए ना, काव्या को कोई उठा के ले गया। मुझे नहीं पता तेरी कहाँ हुआ। हम मंदिर गए थे। भगवान भगवान भगवान, घर के भगवान को छोड़ के तू मंदिर का है गई। हर रोज तू भगवान भगवान करती रहती है तो वो भगवान उसको बचाने का ही नहीं आया। कुछ समझ में आया कि नहीं? क्या समझाया था तुझे? आदि सिंह शेखावत। पाटिल, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमारी बहन हमारी जान है, उसको छोड़ दे और पता तुझे क्या चाहिए। तेरी मौत। क्या हुआ भाई? सूर्या, हमारी बहन को उठाने वाले को इस दुनिया से उठाना है। तुम्हारी बात ना मान के हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। देखो सूर्या, हमारी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। वो रवि पाटिल किस वक्त कहां रहता है ये किसी को नहीं मालूम। काव्या को लाने का जिम्मा मेरा। Yeah।
मेरे सिर पे निशाना साधता है उसका सिर मुझे उड़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो कल का दिन मेरा नहीं होगा। दुश्मनी तो तुम्हारे और आदि सिंह के बीच है। लड़की को ढाल बनाकर जंग जीतना मर्दों को शोभा नहीं देता। कानून में तुम कॉन्टेक्ट करो और बिजनेस में मैं, क्योंकि हमारी दुनिया का एक अलग ही कानून है, लेकिन आदि ने उस कानून को तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया, इसीलिए इसका जवाब है ये किडनैप। डोंट वरी, आदि सिंह की हुकूमत में ही उसकी मंगल आरती का मुहूर्त मैं निकाल कर देता हूं। मैं एक शार्क हूं और सागर में ही मेरी सेफ्टी है, उसे मेरे सागर में लेके आओ, उसके आते ही मैं उसे निकल लूंगा। मुलाकात का वक्त खत्म, जाने का टाइम हो गया है। पाटिल, बिना पासपोर्ट के विदेश घूमता है रवि पाटिल। इंटरनेशनल पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर मैं वेपन्स का धंधा करता हूं। तुम्हारा असली चेहरा आज तक कोई नहीं पहचान पाया, उसी तरह मुझे भी पहचानना मुश्किल है, और फिर भी तुमने यहां आने की हिम्मत की। पाटिल, तुम इंटरनेशनल पुलिस की आंखों में धूल झोंकते होगे, मैं इंडियन पुलिस हूं और वो भी खतरनाक पुलिस। तेरी ये चालाकी तेरे लिए ही खतरा बन गई। उस जूस के डिब्बे में छोटा सा ट्रांसमीटर फिट है। समुद्र में तैरने वाली मछली है और मैं आसमान से निशाना लगाकर शिकार करने वाला गरुड़ हूं। Oh.
चलो उतरो। आ गई हमारी बिटिया। बहन, हे बहन। वो पाटिल ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं। कुछ नहीं किया ना? हाँ, आजा, आजा, भीतर जा। भाभी, तुम ठीक तो हो ना? भाभी। सूर्या, तू हमारी जान को वापस ले आया है रे। बोल ना, बोल तुझे क्या चाहिए, बोल। समझे थे कि तू पागल है इसलिए छोड़ दिया था, पर तो हमारे दुर्गा और भैरव के हत्यारे को जानता है, तेरी जान भीख में दे दूंगा। मैं मरने से नहीं डरता हूँ रे, लेकिन तेरी आंखों में मौत का डर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर भी तू उसे ढूंढ रहा है रे। कौन है, कौन है, कौन है, बता कौन है? पहन ले रे, इसे पहनकर अपनी कब्र खोद ले, क्योंकि उसके बाद तेरी कब्र खोदने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ। वो देखो, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो देखो उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। हम नौटंकी वाले हैं, नौटंकी करते हैं, हमें गांव में बुलाया है। गांव में जाने की परमिशन नहीं है, वहाँ नहीं जा सकते हो। तो अगर परमिशन लेके आएंगे तो जाने देंगे हमें? गाड़ी इधर ही रहेगी। हाँ? तुम लोग जाओ। ठीक है लैला, चलो बेटी। प्रेम प्रीति है मुझसे तेरी, तू तो बोल। सुनो, इनको बड़े मालिक के पास ले जाओ। बुरा समय है। आरामखोर की औलाद, ई का कह रहे हो? जो काम का है चुपचाप जाके वो करो। भाई जाओ। भाई, आपसे मिलने कोई आया है? सादर प्रणाम है महाशय। का चाहिए? मेरा नाम रमन राव भीमराव हरी मिर्ची वाला है महाशय। मैं रात की रानी नाटक कंपनी का मालिक हूँ। हम लोग गांव गांव घूमकर नौटंकी वौटंकी करके तीन लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही चला पाते हैं, इसलिए इस गांव में नौटंकी दिखाने के लिए आए हैं। आप तो गांव की सरकार है ना? ये कौन है रे? इसका नाम लैला है महाशय। तो गांव गांव में जाके छोकरों को नचाती है का? हमारे गांव के छोकरों को नचाने से पहले हमको नहीं नचाओगे महाशय? शुरुआत तो आप ही करेंगे। आओ आओ, मेरी लुटिया डुबोने के बाद तुम सब हवेली पे ताला लगाने आए हो क्या?
रात को आंख बंद करने के बाद सुबह आंख खोलते ही मेरे साम्राज्य की पूरी काया पलट हो गई है। कैसे हो गया ये सब? कैसे हो गया ये सब? तू लोगों के होते हुए ये भूचाल कैसे आ गया इस गांव में? कैसे हो गया इस गांव में? मुझे पता चले बिना डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी तरह मेरी परमिशन के बिना कोई भी पुलिस वाला इस गांव में आ ही नहीं सकता। तो ये किसका कारनामा है? अपना दाहिना हाथ बनाकर जिस पुलिस वाले को तुमने अपने साथ रखा है वही तुम्हारे साम्राज्य की नींव खोद रहा है। वो गद्दार है। नौटंकी दिखाने जो लोग आए थे वो नौटंकी वाले नहीं, वो लोग सेंट्रल के विजिलेंस डिपार्टमेंट से थे। आने वाले 24 घंटे के अंदर अगर वो सूर्या हमारे हाथ नहीं लगा तो हमारी सारे कारनामों की फाइल विजिलेंस डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी, फिर हमारा खेल खत्म। सूर्या तुम्हारा सूर्या मुझे नहीं पता सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, नहीं पता कहाँ है सर, मुझे नहीं पता सर, सच बोल रहा हूँ। कहाँ मिलेगा वो? कहाँ मिलेगा वो? बोल कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं पता। आ सूर्या! तुम मेरे बड़े भाई के साथ दोस्ती का नाटक करके मेरे घर को बर्बाद करने आए हो या फिर पूरे गांव का सर्वनाश करने आए हो? शट अप! सही कहा, मैं यहाँ आया हूँ सर्वनाश करने के लिए, लेकिन इस गांव का नहीं, तुम्हारे भाई और उसके साम्राज्य का। तुम क्या सोचती हो हा? मैं और तुम जिस जगह खड़े हैं वो केशवपुर है नहीं, वो देश के नक्शे का एक हिस्सा है, गांधीपुर। शांति, खुशियां और स्वाभिमान इसका दूसरा नाम था, इसी गांधीपुर का। पूरे गांव वाले एक साथ मिलकर प्यार से दीपावली मनाते थे, वो भी सिर्फ एक ही दिन, जिस दिन देश को आजादी मिली थी, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन। मेरे भाई को रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं था, गांव गांव भटक कर भैंसों का धंधा करता था। वो यहाँ आया और भैंसों का धंधा करना छोड़कर बाकी सब कुछ किया उसने। उस वक्त उसके साथ था गांव की मिट्टी के बारे में सही पहचान करने वाला उसका साथी मुश्ताक। इस गांव की मिट्टी के अंदर दबी थी हमारे देश की संपत्ति, सरकार को पता चले बिना चोरी छुपे उसने यहां की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और सुकून से जीने वाले इस गांव के लोगों का जीना हराम कर दिया। लोगों ने कई बार उसके खिलाफ शिकायत की लेकिन नेता उसके गुलाम थे। और एक दिन तुम लोगों के रहने के लिए हम इससे भी अच्छी जगह दे रहे हैं, ये जगह खाली करके वहां चले जाओ। क्या बोल रहा है? बात नहीं मानोगे तो बहुत बुरा होगा। हे, इस गांव में भैंस बेचते हुए तुम यहां आए थे, हम क्यों अपना घर खाली करके जाएं? ये गांव छोड़कर तुम जाओगे,
आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद हमने ये जमीन पाई थी, इसे हमें नेहरू जी ने दी थी। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। आदि भाई, उस मिट्टी में पूरा सोना ही सोना है, कैसे भी करके गांव वालों को हटाना होगा। भाई, हम लोगों ने गांव वालों को हाथ लगाया ना तो आसपास के 10 गांव वाले एक हो जाएंगे, हमारा खेल खत्म समझो। हमारे गांव से बिहार से कुछ लोग यहाँ ले आते हैं, वो लोग पूरा खेल खत्म कर देंगे। ये सब लोग गांव छोड़ के भाग जाएंगे, ये प्लान कैसा है रे? ए सरपंच, सब लोग आ गए ना? हाँ, सभी लोग आ गए हैं। तुम लोग इस गांव को छोड़कर जाओगे या नहीं? नहीं, हम नहीं जाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे इस गांव को। नहीं, ऐसा बात है? अरे हमको भी तो यही चाहिए। मत जाओ, सब ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। उसके बाद उन गरीबों की समाधि पर गांधीपुर को केशवपुर बना दिया तुम्हारे भाई ने, और गांव का वो लड़का कोई और नहीं था, मेरे साथ हमारे डिपार्टमेंट में काम कर रहा इंस्पेक्टर भारद्वाज था, और एक टेररिस्ट ऑपरेशन में मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसके मरने से पहले उसने मुझे इस गांव की सारी कहानी बता दी थी। उसके वादे के मुताबिक मैंने मीडिया के सामने एनकाउंटर किया और तुम्हारे भाई की आंखों में चढ़ गया। यहाँ पर कोई पुलिस वाला आने को तैयार नहीं था, जो भी आता उसे तेरा भाई छोड़ता नहीं। जितने भी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आए वो पुलिस स्टेशन पहुंचे इससे पहले ही तेरे भाई ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। अब बताओ, मैं गलत कर रहा हूँ क्या? सूर्या, ये बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं सच से अनजान थी। मुझे आज तुम पे बहुत फक्र हो रहा है। चाहे वो कोई भी हो, जो गुनाह करता है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। जाओ सूर्या, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम सड़क पे भीख मांग रहे थे तब आपने हमें सहारा दिया। उस कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ वो धर्म के लिए था। आज आपकी ये जंग है, ये शत्रु के सर्वनाश के लिए। सूर्य साहब को आएंगे, वो जरूर आएंगे। उनके आने से पहले उनका साया आता है, वो साया ही तेरे लिए बहुत है। आओ सूर्या, जल्दी आ। घंटे की आवाज सुन रहा है ना? तो यहाँ आदि का नाश करने आया है? अरे ऐसा सोचने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते हैं। मंदिर के अंदर चाहे कोई भी भगवान हो और गांव के बाहर चाहे कोई भी, परी के सोपुर के हम अधिपति हैं। हम आ, 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 आ,
भले ही केशवपुर का अधिपति होगा, लेकिन जानता है ना मैं कौन हूँ? पूरे देश का चक्कर लगाकर आने वाला मैं हूँ गरुड़ाधिपति। आज से तू आदि सिंह नहीं बल्कि अंत सिंह है। भगवान का नाम रखकर शैतान का काम करता है तू, बदमाश। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, छत्रपति शिवाजी और झांसी की रानी आन बान शान से इस देश के लिए लड़े थे, उसी तरह जनता के लिए मैं भी लड़ूंगा। इस भारत जैसी पवित्र धरती पर तुझ जैसे शैतान का कोई काम नहीं। तेरा वक्त खत्म हो गया आदि सिंह। इंसान को ऐसा काम करना चाहिए कि उसकी जय जयकार हो, लेकिन तूने तो हमेशा लोगों के मुंह से निवाला छीन कर उन्हें आंसू दिए हैं। तुझे बता दूं, भैरव को मैंने ही मारा था। तुम मुझे मत मारो, मत मारो। ये तू नहीं बोल रहा है सूर्या, ये जो तुमने पहन रखी है ना खाकी, ये तुमसे ये सब कुछ बुलवा रही है। तो जैसे गंदी नाली के कीड़े को मसलने के लिए इस खाकी की जरूरत नहीं है, तेरे लिए तो मुझ जैसे मर्द ही काफी है।
और 30 गुंडे पालकर तू पूरे केशवपुर पर हुकूमत कर रहा था, यही औकात है तेरी, है ना? औरत है, छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, ये देखे बिना तूने उन्हें बम से उड़ा दिया आदि सिंह शेखावत, और उनकी समाधि पर अपना गांव बसाया हलकट। हम सब गांव वाले एक जैसे ही हैं। जो भी हमारे दरवाजे पर आता है उसे अतिथि देवो भव कहकर हम अंदर बुलाते हैं, लेकिन तुझ जैसे घुसपैठिए लोग हमारी इस भावना का गलत फायदा उठाते हैं और हमें ही गांव से भगाने की कोशिश करते हैं। ये असली पुलिस वाला है, तुझ जैसे कई पैदा हुए और मर गए, जिसने भी हमारे गिरेबान पर हाथ डाला। उसका हाथ तोड़ दिया हमने। ऐसे दुष्ट राक्षस को मारने के लिए पुलिस या फिर मिलिट्री का इंतजार करना बंद कीजिए आप लोग। आप में से हर एक को पुलिस बनना होगा, हर एक घर में एक एक सैनिक पैदा करना होगा। ऐसे लोगों को अधिकार देने वाले भी तुम हो और उनसे अधिकार छीनने वाले भी तुम हो। अब बताओ इस शैतान का क्या करोगे तुम लोग? गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़कर हमें आजादी दिलवाई, जिसे कायम रखने के लिए हम में से हर एक को सुभाष चंद्र बोस बनना ही होगा।